नमस्कार साथियों, हरियाणा में 42 दिन चली कलर्कों की हड़ताल के बारे में बड़ी अपडेट है। जो सैलरी रुकी हुई थी कलर्कों की 2 महीने से, अब सरकार ने उस सैलरी को देने का, रिलीज करने का फैसला कर लिया है। इसके बारे में जो लेटर है हरियाणा सरकार ने जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है रिगार्डिंग विदड्रॉ द डिसीजन टू स्टॉप द सैलरी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे फॉर दी कलर्क एम्प्लॉयज़ ऑन स्ट्राइक। यानी जो कलर्क स्ट्राइक पर थे, उनका जो पहले फैसला हुआ था लेटर नो वर्क नो पे का, अब उस फैसले को वापस ले लिया है। और ये भी कहा गया है कि उनकी सैलरी में, उसकी सर्विस में ना तो ब्रेक आएगा, मे आल्सो नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रेक इन सर्विस, और इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट दैट पीरियड ऑफ स्ट्राइक ऑफ कलर्क मे बी ट्रीटेड एज लीव ऑफ काइंडू एंड सैलरी ऑफ द कलर्क फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक मे नॉट बी डिडक्टेड। यानी स्ट्राइक के दौरान की जो सैलरी है वो काटी नहीं जाएगी, और सभी जो ड्राइविंग ऑफिसर हैं, ड्राइविंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर है डिपार्टमेंट की, उनको लिख दिया है कि कलर्कों की जो सैलरी है उसको रिलीज की जाए। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, आज ही ये लेटर जारी हुआ है 6 सितंबर 2023 को, और सैलरी जो कलर्कों की रुकी हुई थी 42 दिन की हड़ताल की, अब उसको निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, वो रिलीज की जा सकेगी, कलर्क अपनी सैलरी निकलवा सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।